दोस्तों नमस्कार, आइए आज बातचीत करते हैं डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो इस संबंध में जानने के लिए ये एक्ट कहां से आया है, तो सबसे पहले हमें 2017 में जस्टिस के पुट्टुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, और इसलिए इस पर कोई कानून बनना चाहिए। और इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश के लिए बीएन कृष्णा कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट बाद में दी, लेकिन मसौदा पूर्ण होने के कारण फिर बाद में एक नया मसौदा बनाया गया, जिसे 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और जो इस समय कानून बन चुका है। दोस्तों हम जानते हैं कि हम हवाई यात्रा, रेल यात्रा या बैंकों में अपना खाता खुलवाने के लिए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपनी वैयक्तिक सूचनाएं देते हैं, शेयर करते हैं, और ये हमेशा डर बना रहता है कि इन सूचनाओं के अगर गलत प्रयोग किया गया तो हमें नुकसान हो सकता है। हमारे देश में तेज़ी से इंटरनेट यूज़ करने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये संख्या 80 करोड़ थी, जो अब लगभग 120 करोड़ तक पहुँचने वाली है। इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम डिजिटल डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नियम बनाएं। कुछ अन्य देशों में ये नियम बने हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम आते हैं कि इसमें जो चार कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं उनकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले है डाटा प्रिंसिपल। डाटा प्रिंसिपल का अर्थ ये है कि जो जिसका डाटा इकट्ठा किया जाता है, जिसका डाटा लिया जाता है, उसे डाटा प्रिंसिपल कहते हैं। अगर वो निरयोग्य कैटेगरी में आता है तो उसके गार्जियन जो है उसका डेटा दे सकते हैं। और उसके बाद है डाटा फाइड्यूसरी। डाटा फाइड्यूसरी जो होता है, वो जो भी डाटा प्रिंसिपल डेटा देता है वो डाटा फाइड्यूसरी उसको रखता है। और फिर डाटा फाइड्यूसरी के बाद डाटा प्रोसेसर उसको डाटा को प्रोसेस करके आगे उसको कार्य में लाता है। लेकिन इस बीच में डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बना हुआ है, जो कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा, और डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड में डाटा कंसेंट मैनेजर होता है, और सबसे पहले डाटा प्रिंसिपल को डाटा कंसेंट मैनेजर के यहाँ अपनी स्वीकृति देनी होगी, अपनी कंसेंट देनी होगी, तभी आगे कार्रवाई होगी। लेकिन इसके कुछ ऐसी एक्ट में कुछ प्रावधान है जिन स्थितियों में उसको कोई भी स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मेडिकल इमरजेंसी हो या महामारी फैली हो, तो ऐसे मामले में सरकार नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो सरकार को स्वीकृति देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी दशा में संस्वीकृति पूर्व से ही मान ली जाती है। और इसका दूसरा अपवाद ये है कि जब कोई भी एम्प्लॉई या कोई भी कर्मचारी जो नौकरी कर रहा है, चाहे वो राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में हो, और उसमें उसके नियोजक को उसके आंकड़ों की आवश्यकता है, तो उन आंकड़ों को वो बिना उसकी सहमति के ले सकते हैं। उसमें सहमति की आवश्यकता पूर्व से ही मान ली गई है। कई ऐसे मामलों में जहां कंपनियां हैं और वो कंपनियां अगर अपना डेटा नहीं भी देना चाहती हैं, तो इसमें ये व्यवस्था है कि कंपनियों को या स्टार्टअप्स को अपना डेटा शेयर करना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त टेक्नोलॉजी एक्ट में और आरटीआई एक्ट में भी इसके प्रभाव पड़े हैं। 81J जो कि आरटीआई से संबंधित है, जिसमें यह दिया गया था कि वैयक्तिक सूचना कुछ मामलों में शेयर नहीं की जाएगी, लेकिन इस एक्ट ने उसको ख़त्म कर दिया है। और अब एक्ट में जब भी सरकार चाहे तो उस वैयक्तिक सूचना को ले सकती है। यह एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बहुत से लोग, महिला पुरुष जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको जब इस तरह की पर्सनल सूचनाएं देने के लिए अब वो कोई रोक नहीं सकता है और उनको सूचना देनी पड़ेगी, ऐसी दशा में उनको एक समक्ष कई प्रकार के खतरे हो सकते हैं। तो ये जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया है कि जिससे इसका उद्देश्य यह है कि जिस व्यक्ति का भी डेटा लिया जा रहा है वो सुरक्षित रहे, और इस डेटा का उपयोग भी
सही दशा में हो। इसके कुछ परिणाम ये भी देख सकते हैं कि डाटा जब कोई आदमी देता है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डिजिटली इलिटरेट हैं या डिजिटल रूप में देना नहीं जानते हैं या वृद्ध हैं जो कि नहीं दे सकते हैं, तो उनको अपनी सूचनाओं को देने के लिए अपने गार्जियन या अपने शुभचिंतक के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। और वो अगर सूचना गलत दे देता है तो सेक्शन 17 के अंतर्गत उस आदमी के ऊपर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है प्रति ब्रीच, जितनी बार वो इसका उल्लंघन करेगा 10,000 रुपये के उसके ऊपर शुल्क लगाया जा सकता है। खेद की बात यह है कि जो अन्य एजेंसीज हैं सरकार की, जब शिकायत करने के लिए कोई जाएगा तो वो कंसेंट मैनेजर के पास जाएगा और कंसेंट मैनेजर डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का सदस्य है और डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड सरकार द्वारा बनाया जाएगा, इसलिए कंसेंट मैनेजर जो है वो केंद्र सरकार का होगा और डाटा कंसेंट मैनेजर को ही डाटा सहमत के लिए देना पड़ेगा और अगर कोई शिकायत हुई है तो भी डाटा कंसेंट मैनेजर के पास जाना पड़ेगा। इस प्रकार से सरकार द्वारा ही वो बनाया गया बोर्ड है और सरकार द्वारा ही बनाए लोग को आपको शिकायत करनी है, तो इस प्रकार से वो शिकायत आपके विपक्ष में भी हो सकती है और वहाँ पे न्याय या ट्रांसपेरेंसी प्रभावित होती है। तो इस प्रकार अब इसकी आगे की कार्यप्रणाली पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार हमारा डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड और डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट काम करता है। थैंक यू वेरी मच।